बनाएंगे करेले की सब्जी। उसके लिए हमने ले लिया है 2 प्याज, 3 टमाटर और लहसुन और अदरक। इसे हम उबालने के लिए रख देते हैं। ये 4 करेले हमने लिए हैं, छील लिए हैं इसे और छील के वाश कर लिया है। हम इसे उबालने के लिए इसमें रख देते हैं। हमने कुकर हल्का नमक डाल देंगे इसमें। जब तक होगा जब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। ये प्याज अदरक लहसुन कतर लेंगे बारीक बारीक। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुकर में उबल चुका है करेला। अब हम इसमें तेल डालते हैं। हमें फ्राई करना है करेले को। तेल गरम हो रहा है, जब तक हम इस चीज को निकाल लेते हैं। कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और जब तक मैं ये बीज जो बड़े बड़े हैं इसमें करेले में, इसे निकाल कर हम पीस लेंगे। ऐसे फ्राई होने के लिए डाल दिए। देखिए दोस्तों, हम उलट पलट तेल से करेले को अच्छी से ब्राउन फ्राई कर लेंगे। और ये करेले का बीज हमने निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ये करेले फ्राई हो रहा है, उलट पलट से हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने टमाटर पीस के तैयार कर लिया है। इसमें लहसुन अदरक भी है और हम ये इसमें ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं डाल रहे हैं। ये घर के मसालों से ही तैयार कर रहे हैं, इन्हें कि हम कुछ स्पेशल मसाले तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने फ्राई कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन ब्राउन हमने फ्राई से कर लिया है दोस्तों। मैं जीरे का तड़का डालूंगी। ये देखिए, और ये जो प्याज मैंने काट करके रखे हैं ये मैं डाल रही हूँ। हमने थोड़े से मसाले डाल दिए दोस्तों इसमें, टमाटर नहीं।
जो हमने बाजार से इसमें मिर्च हल्दी धनिया जीरा सब कुछ मिक्स है। जब तक मैं प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब ये हम जो टमाटर और मसाले रखे थे वो डालेंगे। ये बीज जो हमने पीस के रखे थे अभी उसे अच्छी तरह चला चला के भून लेंगे। हल्का नमक डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा और। देखिए दोस्तों, हमने मसाले को ढक कर रख दिया था। अब ये हम चला चला के इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। हमने मसाला फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। देख रहे हैं आप, अब हम इसमें आधा गिलास ये पानी डाल देंगे। ये देखिए तो हम इसमें अपने करेले डाल देंगे। हम इसे ढक देंगे फिर। दोस्तों हम इसे एक बार पलट देते हैं और फिर 10 मिनट के लिए हम और ढक देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाएगी। मीडियम में हमें ग्रेवी रखना है इसमें। 10 मिनट के लिए और हम ढक के इसको रख देते हैं। अब हम ये करेले को देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा करेला देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, आप एक बार इसे ट्राई करिए घर पे। करेले की सब्ज़ी तो सब बनाते हैं, लेकिन ऐसी करेले की सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी, नहीं बनाई होगी। तो आप कभी बना कर इस पर ट्राई करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ कि जो भी हम नोटिफिकेशन डाले, जो भी हम अपलोड करें वीडियो, वो आपको सबसे पहले मिले। और ये देखिए हमारा करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है दोस्तों। ये हम इसमें धनिए की गार्निशिंग कर देंगे। ये हम गैस का फ्लेम कर दिए लोग, इसमें हम धनिए की हल्की हल्की गार्निशिंग कर देंगे। और ये देखिए आप गर्मा गर्म परोसिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। ये देखिए